9 मार्च 2019 मेरे प्यारे कट 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 सिर्फ साहिल उर्फ पिल्लू, उम्मीद है कि एक हद अकेले में पढ़ोगे। आज तुम्हारा 28वां जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। मैं शायद वहां नहीं हूं ये सब कहने, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कॉल या टेक्स्ट तो नहीं कर सकती, तो सोचा खत लिख दूं। ऐसा नहीं था कि हिम्मत नहीं थी, बस मजबूर थी। तुम्हारी कमजोरी जो नहीं बनना चाहती, बस इतना ही कहना है, हमेशा खुश रहना। मुझे मालूम था कि यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन वन डे, मगर लगा नहीं वो दिन इतनी जल्दी भी आ जाएगा। वक्त कितनी जल्दी निकल गया नहीं? सही है, बड़े आदमी बन गए तुम। 12 साल बीत गए, कभी याद भी आती है मेरी, कभी हमारी भी गले आया करो। वो बॉल तो याद ही होगी, 6 जो मारा था तुमने। गुप्ता अंकल की खिड़की की कांच कुर्बान हुई थी, वो भी हफ्ते में 4th बार। बैट स्टंप सब छोड़ भाग कर आए, सहमे से घबराए से, सोने की कोशिश कर रहे थे रात भर। कुछ इसी तरह कुछ सालों बाद जब तुम पहली बार अपना दिल तुड़वा कर आए थे, उसी तरह तकलीफों में सोने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कांच टूटने की आवाज और दिल टूटने की गूंज में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने तुम्हारा वो मुंह दबाकर, तकिए को लिपट कर, जकड़ कर रोना भी महसूस किया है, और अपनी माँ के हाथ की बनी बिरयानी की महक पर झूमना भी देखा है। अच्छा, वो कोलाबा से ली बेल बॉटम जीन्स तो याद है ना? वो जो अतुल के पास थी और तुम्हें किसी भी हालत में वैसी ही चाहिए थी। अरे वो जिसका रंग दूसरे ही वॉश में उतर गया था, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा चेहरा भी उतर गया था जब तुम उसे कॉलेज में बड़े शौक से पहन कर गए थे और लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कितनी अजीब बात है नहीं? कभी कभी हम किसी चीज के लिए इस हद तक जिद करते हैं कि उन्हें पाने के बाद ऐसा लगता है क्या हम सच में इसे चाहते हैं। बट आई वंडर, तुम्हें ये सब याद होगा भी या नहीं? वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त सना का दिया हुआ काले ऊन से बुना बड़ा ही खूबसूरत और नाजुक ड्रीम कैचर, वो तुम्हारे जान से प्यारे हेडफोन्स, वो फेवरेट कॉफी मग, वो खूब जचने वाली ऑरेंज टी शर्ट, वो दो तार टूटी हुई गिटार और वो क्लासिक मोटिवेशनल कोट से भरी दीवार। उम्मीद है शायद इनमें से कुछ कुछ तुम्हें याद होंगे। अच्छा एक बात बताना, अभी भी छुप छुप कर सिगरेट पीते हो? एक रोज जब तुम तकरीबन देर शाम को एक हाथ सिगरेट एक हाथ लाल चाय का कप लेकर बालकनी से दूर देखते थे, लगता था कि तुम दूर कहीं कुछ बनने की सोच रहे हो। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि तुम कहते थे आई डोंट वांट टू बी अ स्टार। चौंकाने वाली बात थी, फिर कहते थे आई वांट टू बी समथिंग बियॉन्ड द स्टार्स। उस दिन मैंने ठान ली थी कि तुम्हारी कामयाबी पर जोर जोर से तालियां बजानी है, और वो जो सबसे बड़ी तालियों की गूंज सुनाई देगी वो मेरी ही होगी। और वो ब्लू वास, वो तो याद होगा ना, जो तुमने गुस्से में आकर तोड़ा था। काफी टुकड़े बिखरे पड़े थे। चलो कोई नहीं, उस दिन ये तो समझ आया कि चीजें टूटती है, दिल टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं, मगर हमारे बीच कोई दीवार नहीं आएगी ना। वैसे तुम्हारी बहुत सी आदतों का कोई अता पता है भी या नहीं? वो बात बात पे शर्त लगाने की आदत, शक करने की आदत, छूटी तो नहीं होगी इतनी आसानी से। दुनिया में किसी भी चीज पर चाहे मर्जी शक कर लो, मगर कभी भी अपने आप पर, अपनी अहमियत पर शक मत करना। तुम जरूरी थे, हो और हमेशा रहोगे। हाँ, अब यू माइट बी अ मनी ओरिएंटेड पर्सन टुडे, और मैं आज भी इमोशन ओरिएंटेड। शायद आज की दुनिया में तुम सही हो और मैं गलत, मगर क्या इतना मुश्किल है यह समझाना कि मैं धूप में तुम्हारी छांव और बरसात में तुम्हारा छाता बनकर रहना चाहती हूं? वैसे
शुक्रिया मेरे शब्दों का जरिया बनने के लिए। एक एहसानों भरा छत लिए घूम रही हो अपने सर, पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले कहने का, बयां करने का। कभी मैं इस पल यहां तो कभी तुम उस पल वहां। ऊंचा उड़ने के लिए बने हो तुम, और जिस ऊंचाई से तुम नीचे देखोगे ना, वो जो छोटी सी नन्ही सी परछाई दिखाई देगी वो मैं रहूंगी। खैर कभी कोई जरूरत हो तो मैं बस चार कदम दूर हूं, ख्याल रखना। और हाँ खुश होना, तुम्हारा घर। घर आ जा।